नमस्कार, मैं रोहित और आप देख रहे हैं संसद वाणी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह हम आज भी ये कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके समर्थन के बिना हम कुछ भी नहीं है। इसलिए मजबूती से आवाज को उठाने के लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता मनोज सिंह डब्लू इन दिनों तेवर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को नौबतपुर में बन रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया, साथ ही बड़ा खुलासा कर जिले की जनता को चौंका दिया। दावा किया कि चंदौली के नौबतपुर में राजकीय नहीं स्वशासी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। निर्माण स्थल पर राजकीय मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगाकर जिला प्रशासन जनता को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि कागजों पर कॉलेज से संबंधित सभी कार्यवाहियों में इसके नाम में स्वशासी जोड़ा गया है, यानी इसे पीपीपी मॉडल पर चलाने की सरकारी व प्रशासनिक योजना है। इसके बाद पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू सईदराजा थाने पहुंचे और बाबा की नाराम स्वशासी मेडिकल कॉलेज की नोडल प्रधानाचार्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के लिए सईदराजा थाने तहरीर दी, जिससे मेडिकल कॉलेज को लेकर जनपद चंदौली में बार फिर राजनीति गर्मा गई। उन्होंने चंदौली की सम्मान की लड़ाई में सहयोग के लिए संघर्षशील अधिवक्ता साथियों के साथ ही आमजन का सहयोग मांगा। आज मैं आया हूँ राजकीय मेडिकल कॉलेज चंदौली, ये जो नौबतपुर में बन रहा है। आप जैसा कि जानते हैं, 9 साल चंदौली बदहाल को लेकर मैं चला हूँ कि कम से कम 9 कामों को दिखाया जाए। आज ये तीसरा दिन है और ये तीसरा दिन मेडिकल कॉलेज को मैंने चुनने का काम किया है। और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में राजकीय मेडिकल कॉलेज चंदौली, इसकी लागत 257 करोड़ की लागत से ये बनना है, 18 महीना के अंदर बनना है। बनना क्या था? राजकीय मेडिकल कॉलेज चंदौली। लेकिन आज जो है बन क्या रहा है? बन रहा है बाबा किनाराम स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चंदौली। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमारे घर का बच्चा जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जब चलता है, तो 5 साल के लिए मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन लेगा तो हर साल की फीस 10,000 से 12,000 रुपया खर्चा आता है। वह गरीब का भी लड़का मेडिकल करके एक MBBS डॉक्टर हो जाएगा, किससे? राजकीय मेडिकल कॉलेज से। लेकिन ये हो गया बाबा किनाराम स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय। इसमें क्या होता है? स्वशासी का मतलब हो गया कि शासन का इस पे कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। तो जो 10,000 में पढ़ने वाला लड़का का लगेगा 10 से 20 लाख रुपया, और इस पे प्राइवेट पब्लिक जब हो जाएगी पब्लिक प्राइवेट में, तो यही खर्चा 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपया हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज मैं चल के इसको लेकर थाने में एक देने जा रहा हूं, FIR कराने जा रहा हूं। FIR इसलिए कराने जा रहा हूं कि आज जितनी कार्रवाई हो रही है सब कागज पत्तर चलता है बाबा किनाराम स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के नाम पर, और ये बोर्ड जो लगा है राजकीय मेडिकल कॉलेज चंदौली का। मैं तो सोच रहा था कि माधोपुर से सिर्फ नौबतपुर को ये चेंज किया गया जगह ही, लेकिन जगह के साथ साथ राजकीय मेडिकल कॉलेज चंदौली को बाबा किनाराम स्वशासी चिकित्सा इसको प्राइवेट करने का काम हुआ है, जो कि अपने मर्जी से फीस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ले सकते हैं और दे सकते हैं। दूसरी एक बात आपको बता रहा हूं, हमारे यहां चंदौली में पंडित कमलापति त्रिपाठी जी का नाम से चंदौली की गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। इसलिए कह रहा हूं था कि अब वह भी बाबा किनाराम स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय का एक हिस्सा हो गया, उसको इसमें दे दिया गया है। आज 2 रुपया में वहां पर्ची कटती है और गरीब का इलाज होता है, लेकिन अब ये 50 रुपये की पर्ची कटेगी। और जिस दिन PPP मॉडल पे जब काम जब चालू हो जाएगा, जब कॉलेज चालू हो जाएगा, तो वही 2 रुपया की पर्ची 250 रुपया में कटने का काम होगा। यह प्राइवेट हो गया,
जिस प्रकार रोड सरकार बनाती है और बनाने के बाद उस पर टोल गेट बन जाता है और टोल गेट पर हमारे आप जैसे लोग जाते हैं, गाड़ी का पैसा जमा करते हैं और जमा करके उसके टोल के आगे जाने का काम होता है, वही ये मेडिकल कॉलेज बनने का काम हो रहा है। इसलिए मैं साथी, इसका दोषी कौन है, मैं चल के आज मैं इस पर FIR कराने चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं चंदनों के अधिवक्ताओं को कहूंगा कि आप बहादुर साथी हो, आपने कई बार जिला के लिए लड़ने का काम किए हैं और मैं कहूंगा कि चंदौली की इस इज्जत की बात है, चंदौली की हमारे लोगों की बात है, क्योंकि माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी झोरा उठाएंगे और जिला के बाहर चले जाएंगे, कोई मतलब तो है नहीं, उनके बच्चे को यहां पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कहां जाएंगे, हमारे बच्चे कहां जाएंगे। पार्टी दल राजनीति की बात बाद में होगी, लेकिन चंदौली की बात पहले होगी। इसीलिए मैंने कहा कि 9 साल चंदौली बेहाल हो गया है, बदहाल हो गया है, और इस 9 साल के आज तीसरा दिन, ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है आज का, इस 9 कार्यक्रम में ये तीसरा काम मेडिकल कॉलेज का लेके आज मैं FIR कराने जा रहा हूँ, और मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि आप लोग इसकी लड़ाई लड़ने का काम करें। जय हिंद, जय समाजवाद। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपकी आवाज बन सके। धन्यवाद।